वसंत पंचमी का दिन है और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि माता सरस्वती का आविर्भाव दिवस है। वह भगवान विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा के लिए शक्ति बनकर आज के दिन माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ था और आज इन्हीं के दिन माता सरस्वती ने सारे देवताओं को यक्ष गंधर्वज्ञ अप्सरा और ऋषि मुनि और मानवों को जो जिसने उनकी पूजा की है जिन्होंने उनका ध्यान किया है मंत्र किया है वो लोगों को अक्षर ज्ञान देकर ब्रह्म ज्ञान से उत्प्रोत कर हमारे में भावना अपनी भावना बोलने का विधान ये भावना बोलने का विधान और ये शब्दों का ज्ञान पशुओं में नहीं है केवल मनुष्यों में है और देवताओं में है अक्षरों का ज्ञान और उस ज्ञान को प्रदान करने वाली माता सरस्वती का जन्मदिन है। हम इस दिव्य दिन पर सरस्वती माता की पूजा और साधना आरंभ करने से पहले परम पुरुष सद्गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले गुरु पूजन संपन्न करेंगे बाद में माता सरस्वती का पूजन संपन्न करेंगे और उसके बाद साधना का कार्यक्रम आरंभ होगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चे जो भी हैं ओले ओलो केवल ओम ऐन ओम इस मंत्र को जप करें और बड़े लोग जो है गुरु मंत्र का जप एक माला करने के बाद ओम ऐन सरस्वती ऐन महा जप करें। तब तक उदय महाराज और शेषु महाराज से कहता हूं कि जो आयोजक दंपति पूर्ण है वो गुरु पूजन करें और जो अकेली अपने पति के साथ नहीं आए वो सरस्वती पूजन के पास जाए। एक तरफ गुरु पूजन होगा एक तरफ सरस्वती पूजन होगा। आप सब लोग तब तक गुरु मंत्र जप करते हुए छोटे बच्चे ओम ऐन ओम इस मंत्र का और बड़े लोग ओम ऐन सरस्वती नमः इसका जप करें। तब तक पूजा संपन्न होगी। पूजा के बाद भजन होगा नारायण मंत्र नारायण ध्वनि होगी उसके बाद साधना का कार्यक्रम आरंभ होगा। सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आज माता सरस्वती ने सभी देवताओं को जिस प्रकार अक्षर ज्ञान देकर भाव अभिव्यक्ति का यह विधान यह भावना बताई है उसी को हम आज माता सरस्वती से प्रार्थना करके हमें भी प्रदान करें। हम भी ऐश्वर्यवान हों हम भी विद्यावान हों सामर्थ्यवान हों इसकी प्रार्थना करेंगे। पहले गुरु पूजन संपन्न होगा और माता सरस्वती देवी का पूजन संपन्न होगा। जो पति पत्नी आए हैं वो लोग गुरु पूजन संपन्न करें और जो पति के साथ नहीं आए हैं वो लोग सरस्वती पूजन संपन्न करें। शेषु महाराज उदय महाराज शर्मा जी आप भी आइए ऊपर पूजा संपन्न हो। आज वसंत पंचमी का दिन कहते हैं कि माता सरस्वती का आज के दिन आविर्भाव हुआ। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को वाणी का उपदेश दिया अक्षर ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु को शिव को शिव जी ने सप्त महर्षियों को और इन सभी को अक्षर ज्ञान देने वाले सरस्वती को उपदेश करने वाले हयग्रीव कहलाए। हयग्रीव विष्णु अवतार को कहते हैं इसलिए हयग्रीव स्तुति में कहा गया है वाणी की उत्पत्ति का और वाणी का ज्ञान माता सरस्वती को हयग्रीव अवतार में विष्णु भगवान ने दिया। जो कंठ में निवास करती है और हमें इस वाणी का ज्ञान प्रदान करने वाली माता सरस्वती का आज आविर्भाव का दिन है और बहुत सारे लोग ऋषियों से लेकर देवता भी आज के दिन ही विद्या का आरंभ करते हैं। जिसने भी विद्या का आरंभ आज किया वो विद्यावान बना। विद्या के साथ साथ उसमें विनय भी आए क्योंकि जिसके पास विद्या के साथ विनय हो वही संसार में पूजा जाता है। उद्धट मनुष्य को कोई पूजा नहीं करता और जिसके पास मूर्खता की बातें होते हैं उसे पूजा नहीं करता। जिसकी वाणी सिद्ध हुई जिसको विद्या प्राप्त हुई वह इस संसार में या तो शांति अनुभव करता है या तो पूजा करता है।
फिर भी हम देखते हैं कि विद्या प्राप्त करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन अपने विद्या को ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, दूसरों को बता नहीं सकते, दूसरों को बता नहीं सकने के कारण वो लोग पूजने ही नहीं होते, वो लोगों को कोई पहचानना नहीं। बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्या है उनके पास। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं जिनके पास कहीं की डिग्री है लेकिन आप स्पॉट पे जाओ या कोई पेशेंट आ जाए तो उसको ठीक तरीके से बता नहीं सकते, ज्ञानी बहुत है। क्यों? क्योंकि विद्या रहकर भी उनको उनके पास उसमें यह सब कीर्ति नहीं है। और ऐसे लोग आज तो आपको हमारे भारत में नहीं, ऐसे का हर जगह बताता हूँ। जितने भी आज तुम्हारे ऊपर राज्य करने वाले, तो आप बेचारा IAS होता है, PhD करता है, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति का नेता के हाथ के नीचे उसे काम करना पड़ता है, क्या कारण है? बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे राजाएं भी हैं, उन राजाओं के पास भी विद्या नहीं थी लेकिन उनके हाथ के नीचे मंत्री के पद पर हो या उनको कोई ना कोई मार्ग बताने वाले हो, विद्यावान लोग ही रहे, लेकिन विद्यावान लोगों को वो यश नीति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इसके पीछे क्या होता है, क्यों इनको यश नहीं मिलता और क्यों इनको वह सिद्धि प्राप्त नहीं होती? सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होना, विद्या की विद्या प्राप्त होना, विद्यावान प्रश्न हम निस्संदेह या निस्संशय कह सकते हैं कि वो शांत होता है और उसको शांति मिलती है इसलिए क्योंकि उसके पास विद्या है। वो जानता है कि अविद्या क्या है, ये लोग विद्यावान मनुष्य क्या कहते हैं, आज्ञा वाले मनुष्य तो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है और ये अपने पास बैठा रहता है। लेकिन वह मूर्ख व्यक्तित्व इसके ऊपर राज्य करता है, इस विद्यावान के आदमी को चाकू बताकर काम कर लेता है और विद्यावान मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं सारे संसार में है और पहले से भी आई हुई है। इस स्थिति को देखने के बाद माता सरस्वती को याज्ञवल्क्य महर्षि ने या सप्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये स्थिति क्या है, हम विद्यावान होकर भी, हम ज्ञानवान होकर भी उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, ना हमारे पास लक्ष्मी है, ना हमारे पास यश है, न कीर्ति है, न धैर्य है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको तो बहुत बार मैं सुनाया, फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ याज्ञवल्क्य महर्षि के बारे में। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े महर्षि थे और उनके गुरु के पास वो विद्या का अभ्यास कर रहे थे। हुआ ये कि उस जहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि और उनके गुरु गुरुकुल था, उसके राजा को संतान नहीं थी, 3 पत्नियां होने पर भी संतान नहीं हुई। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य महर्षि के पास गए और कहा कि मुझे संतान नहीं है, आप ऋषि हैं, मेरे पास पुत्र संतति प्राप्त हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तब उनके याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में 1 वर्ष तक अगर नित्य मैं पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाऊँ और मंत्र अनुष्ठान करवाऊँ तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। तो इसके लिए कैसा किया जाए? उन्होंने कहा मेरे गुरुकुल में जितने भी शिष्य हैं वो हर रोज आपके पास आएंगे, मंत्र करेंगे आपके घर में और होमाली करेंगे, होमाली क्रिया करेंगे। सभी लोग एक एक करके रोज जाते थे, पूजा करके आते थे राजा की। लेकिन राजा को जब 1 महीना हो गया तो उसको आदत हो गया, उन्होंने कहा ब्राह्मण आप आओ, मंत्र कर लो और यज्ञ कर लो और खाना खा के दक्षिणा लेकर चले जाओ। एक दिन बारी आई महर्षि याज्ञवल्क्य गए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मालिक कहाँ है, यजमान कहाँ है, उसके हाथों से यज्ञ करवाना है, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा राजा तो कहीं जागे सो रहे हैं, वो उनका काम में अनुभव है। महारानी कहाँ है? महाराणा भी अपने काम में अभी नहीं, यहाँ रोज ब्राह्मण आके मंत्र करके यज्ञ करके चले जा रहे हैं, आप जाओ ब्राह्मण है यज्ञ करो मंत्र करो दक्षिणा आयो चले जाओ। उन्होंने कहा ये यज्ञ मेरे लिए है या राजा के लिए? तो उन्होंने कहा राजा के लिए, तो मैं यज्ञ निश्चय करूं, राजा आएगा तो यज्ञ करूंगा, महारानी आएगी तो मंत्र करूंगा, यज्ञ करूंगा नहीं तो नहीं, चला जाऊंगा। जब ये बात रानी तक पहुंची तो बोले कौन है, जाके उनके गुरु को बोल दो उसको करके जाओ बोलो। अरे वो उतनी निश्चिंता के साथ देख रहे थे कि इनका काम है दक्षिणा लेकर चले जाना, लेकिन अपने फट देखकर खड़े थे क्योंकि अपने ज्ञान में उनको उतनी शक्ति प्रति थी, उनको अपने ज्ञान को उतना भरोसा था।
उन्होंने महारानी को आने के लिए कहा तो महारानी ने उनके गुरु को जाकर बताया ये कोई किसी ऐसे जिद्दी शिष्य को भेजे हो जो काम नहीं सुनता है, मेरा विश्राम वगैरह नहीं हुआ, उनको करके जाओ। तो याज्ञवल्क्य मानने के लिए तैयार नहीं था। याज्ञवल्क्य ने कहा अगर वे मैं अभी 10 मिनट में देखता हूँ यजमान और उनकी पत्नी यहाँ आते हैं तो मैं मंत्र अनुष्ठान करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। मेरे गुरु को बोल दो कि किसी को फेल नहीं करने वाले, मैं ऐसा करने वाला आदमी नहीं हूँ। 10 मिनट तक देखें वो लोग नहीं आए तो याज्ञवल्क्य महामुनि ने एक थोड़े से अक्षर मंगवाए, अक्षर मंगवा कर मंत्र किए और जहाँ राजा और रानी सोते थे उसके ऊपर वो उस अक्षर को मंत्र पूरी करके डाल दिया और अपने गुरु के पास चले। जब शाम में दोनों राजा और रानी आए और देखते कि हमें अपने पलंग के ऊपर धान रुक के आया है, ये देखकर दोनों आश्चर्य में लेकर बुला रहे थे ये धान कैसे रुक के आ गया, ये भी यहाँ शैया पर जहाँ हम सोते हैं उस कपड़े पर धान रुक के आया, ये कैसा हो गया। तो वहाँ के मंत्री लोग थे, सुबह जो गुरुकुल से जो कृषिपुत्र आया था वो आया था तो उसने वो मंत्र के चावल डाल लिए, अरे बोले ये जमीन भी नहीं है केवल कपड़ा बिछाया हुआ है और कपड़े पे धान आ गई, ये तो आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने कहा ये कोई महापुरुष है जो बिना भूमि के अगर कपड़े पे अगर अन्न ला सकता है, धान उगा सकता है, तो मैंने इसे बांझ श्री को तो पुत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। राजा और रानी दोनों भागते हुए गए गुरु के चरणों में, बोले आज जो शिष्य आएगा उसको पहले मिला दो। तो आज कौन क्या था यज्ञ, गुरु ने बोला यज्ञ लगाया, यज्ञ लगाया, बोले क्या बात है हे गुरु जी, आज तक ऐसा हमने शिष्य नहीं देखा, आपका यह जो शिष्य है इसने मुझे अक्षर पूरी करके अक्षर को मंत्र पूरी करके केवल हमारे शैया पर बेड पर अक्षर डाल दिए और अक्षर रुक के आ गए, तो ये तो महान श्रेष्ठता है, ये तो मानी स्त्री को भी तो संतान ला सकता है। तो मैं आज हमारी गलती हो गई, हम उसके चरण पकड़ लेते हैं, उसको पांव पड़ते हैं, उसको आकर हमारे मंत्र को अक्षर या खीर दे दो, हम निश्चित रूप से संतान होगा ये मुझे ज्ञान है। याज्ञवल्क्य ने भी कहा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ राजा अगर मैं मंत्र को खीर आपको दूं तो आपको संतान होगी, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तुमने कहा क्यों, क्योंकि तुमने ऋषियों को और आने वाले को तुमने जो अपमान किया है, जो विद्या का अपमान किया है, जो ज्ञान का अपमान किया है, ये मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी संस्कृति का मेरे विद्या का आपने अपमान किया है और मैं नहीं दूंगा। तब गुरु ने कहा कि हे अर्जुन ये तुम क्या कह रहे हो, जाने दो राजा है अपने, हम उस राज्य में रहते हैं, मैं तुम्हें गुरु के रूप में आज्ञा देता हूँ कि तुम इस काम को करो। तो राजा रानी देखकर हंसने कहने लगे क्या तुम शिष्य होकर गुरु की आज्ञा नहीं मानते, क्या चलो हमारे को दे दो। ये बात याज्ञ को पसंद नहीं आई, याज्ञवल कह रहा था कि तुम विनीत भाव से पूछते तो मैं जरूर आता था, लेकिन तुमने हमारे गुरु से जबरदस्ती कहवाया कि तुम आओ और करो, मैं नहीं करूंगा, चाहे गुरु आज्ञा भी हो मैं नहीं करूंगा। अब आखिरी में स्थिति ऐसी आई कि गुरु को प्रार्थना करनी पड़ी, याज्ञवल के एक बार फिर राजा के लिए स्थिति अच्छी नहीं है तो जा गया। याज्ञवल कहते हैं गुरु जी अगर मैं ये काम कर सकता हूँ अक्षर डालकर वहां के ऊपर ला सकता हूँ तो आप मुझे क्यों प्रार्थना करें, आप स्वयं जाकर के कर लीजिए और उनको संतान प्रदान कर लीजिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये बात ये हुई कि याज्ञवल का तपस्या पूरी थे और हर दिन यज्ञ करते थे और उनमें यज्ञ के माध्यम से वो यज्ञ देवता को प्रत्यक्ष किया था और असंभव कार्य को भी संभव करने की शक्ति रहते थे, उनके गुरु को मालूम था। गुरु वृद्ध हो गए थे, उन्होंने यज्ञ नहीं कर सकते थे और उनको पता था कि याज्ञवल्क्य में ही शक्ति है, मेरे में भी नहीं है। इतनी बात भी कहने पर याज्ञवल कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, पुनः नहीं जाऊँगा। आखिर बात यहाँ तक चली, राजा और रानी दोनों गुरु के पांव पकड़ते लेकिन याज्ञवल को कुछ नहीं बोलते और इनके बोलने पर याज्ञवल कहता कि मैं गुरु जी इस बात को छोड़कर आप सर काट के दो बोलो मैं दे दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, ये मेरे विद्या का अपमान है और मैं नहीं जाऊँगा। आखिर बात यहाँ तक हो गई कि गुरु याज्ञवल्क्य ने कहा मेरे खातिर तो तुम जाओ, नहीं तो तुम मेरी विद्या मुझे दे दो।